हेलो लियोज़, वेलकम टू माई चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है जुलाई 2022, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे खुद मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं लियोस इन मंथ ऑफ जुलाई में। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज का ये स्प्रेड है। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लियोस। What are the messages for Leos in first 10 days of July? What are the messages for Leos in first 10 days of July? The messages for Leo in middle 10 days of July. What are the messages for Leos in last 10 days of July? Okay. अंडरनीथ आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, टू ऑफ पेंटिकल एंड डेवल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन फर्स्ट 10 डेज आपके पास है फोर ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ एंड द फूल। ओके, सो समथिंग जुलाई के फर्स्ट 10 डेज में कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत बंद हो, आप उन पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका जेस्चर है, सॉरी, ये आपके स्ट्रॉन्ग जेस्चर उस पर्सन के लिए हो सकता है कि लाइक आप एक रिस्क ले रहे हैं। अगर आप ये उस पर्सन को शो कर रहे हैं कि आप उस पर्सन आप ये शो कर रहे हैं उस पर्सन को, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है। अगर आप कोई आप किसी आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हैं और एक अपने आप में लाइफ को इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप अंडरनीथ में जो आपके पास कार्ड हैं वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कोई डिसीजन बना, फिर उस डिसीजन में दोबारा से कोई कन्फ्यूजन आ सकती है। और इसके अलावा क्योंकि एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से, एक अनहेल्दी सिचुएशन की वजह से आप उस डिसीजन को पेंडिंग पे डालना पड़ रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑफ़र जो भी डिसीजन आपने लिया था उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन से ऑफ़र की तवक्को आप कर रहे थे और आप उस पर्सन के लिए हवाले से डिसीजन बना चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अनहेल्दी थी और आप उस डिसीजन को आपने पेंडिंग पे डाल दिया, और अब दोबारा से हो सकता है कि वो उसके चांसेस बन रहे हों, उस ऑफ़र के चांसेस बन रहे हों। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन आपकी उस पर्सन से ब्लॉक हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हों, अपने आप को स्ट्रांग रख के, अपने आप को बिल्कुल एक आप रिस्क टेकिंग सिचुएशन में है इस वक्त कि आप रिस्क ले रहे हैं किसी चीज़ का, और आप एक अलग जेस्चर शो कर रहे हैं उस पर्सन को, एक बिल्कुल डिफरेंट जेस्चर आप उस पर्सन को शो कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर एक बहुत अलग सी स्ट्रेंथ है जो कि आपको अपने आप में खुश रहने पर सिखा रही है। सो एक न्यू स्टार्ट है यहाँ पर। सो आपके मिडिल डेज में जो है वो है क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड एट ऑफ सोर्स। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके अपने ट्रेट हों, या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, या फिर आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसके पास आप जो है एक ऑफ़र लेकर जा रहे हैं, रिकन्सिलिएशन ऑफ़र या फिर लव ऑफ़र, लेकिन आपको उस पर्सन के बारे में सही से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उस पर्सन के बारे में जो सोच रहे हैं वैसा है नहीं, जिसकी वजह से आप उस पर्सन की तरफ अपना अच्छा जेस्चर शो कर रहे हैं।
वो चीज़ें नहीं है। लाइक जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। अगर आप उस पर्सन के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन उस पर्सन का फॉल्ट हो या वो पर्सन फॉल्ट पे हो, लेकिन आप फिर भी उस पर्सन के पास जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी अपनी गलती है और ठीक चीज़ों को ठीक कर लें। लेकिन या फिर आप किसी पर्सन के किसी नए पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी वाटर साइन की तरफ बढ़ रहे हैं अपना लव अफेयर लेकर, लेकिन आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है उस पर्सन के हवाले से। लाइक जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं आप उस पर्सन के बारे में वो चीज़ें सोच रहे हैं। और या फिर आप बिल्कुल उस पर्सन, अगर वो पर्सन फॉल्ट पे है और आप उस पर्सन के पास जा रहे हैं अपोलोजाइज़ के लिए, तो आपको लगता है कि वो पर्सन डिफॉल्टेड नहीं है, वो पर्सन फॉल्ट पे नहीं है और आपका फॉल्ट है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, आप अपनी तरफ से खुद से सोच रहे हैं। सो ये चीज़ें हो सकती हैं इन मिडिल डेज में। हो सकता है पहले आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक की हुई हो, लेकिन अब आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं जस्ट उन बातों की बुनियाद पर जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। सो लास्ट 10 डेज में आपके पास है 3 of Swords, 5 of Swords एंड द वर्ल्ड। सो लास्ट 10 डेज में आप किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। हो सकता है जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं या फिर ये बातें हैं उस पर्सन के हवाले से, उस पर्सन को आपकी जो थॉट्स हैं उस हवाले से वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं इन एंड, और कुछ कोई एक साइकिल जो है वो एंड हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है ये रिलेशनशिप एंड हो जाए या कम्प्लीटली रिलेशनशिप एंड हो, या फिर ये इसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, इस फाइट में आपके इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व हैं लेकिन ये आपको भी हर्ट कर रहा है, या फिर वो पर्सन ही आपको हर्ट कर रहा है। तो कुछ लाइक हो सकता है ये रिलेशनशिप एंड हो, किसी बैड नोट पे एंड हो। सो ये आपकी सिचुएशन बन रही है लियोस इन लास्ट 10 डेज में। लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें कोई भी हार मानना नहीं चाहता, सब सेल्फिश होकर सोच रहे हैं, जो कि रिलेशनशिप्स को जस्ट हर्ट कर रहा है। और लाइक जो भी सेल्फिशनेस है वो रिलेशनशिप्स को हर्ट करी है, और यहाँ ये एक एंडिंग तक लेकर चली जा सकती है, एंडिंग तक लेकर जा सकती है, ये जो भी सेल्फिशनेस है रिलेशनशिप को एंड कर सकती है। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना होगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता भी है तो आप अपने आप को उससे बिल्कुल कटआउट कर लें, या आप किसी दूसरे के मसले में ना पड़ें, किसी दूसरे के झगड़ों में को रिजॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है आप भी हर्ट हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांसल ऑरेकल मैसेज क्या है लियो इन मंथ ऑफ जुलाई में। रोमांसल ऑरेकल मैसेज फॉर लियो, अनरिक्विटेड लव, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। लाइक हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करें जिसमें कुछ बाकी नहीं बचा, तो एट द एंड ये एंड ही होना है। सो इट्स एन अनरिक्विटेड लव, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। लाइक आपको मोहब्बत की ज़रूरत है, आप लव मोहब्बत के काबिल हैं, और हो सकता है वो पर्सन आपको मोहब्बत नहीं दे सकता। आप समझते हैं कि वो पर्सन आपको मोहब्बत दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है उस पर्सन के पास अपनी मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं जो कि इस रिलेशनशिप को चलाना नहीं चाहता। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं तो ये सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा ये कोई कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन हो सकती है। सो बी केयरफुल, आप अपने आप को हर्ट ना करें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं लव। तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लेके आएँ जो आपको मोहब्बत दें। सो लियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।